गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा अभी का सेशन फोकस करने वाला है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। दिस सेशन इज गोइंग टू फोकस अपॉन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ऑलरेडी पिछले सेशन में मैंने बता दिया है स्टूडेंट्स दैट वी आर गोइंग टू सी द all the biosphere reserves of India through this series map practice for UPSC series। और ये UPSC prelims 2021 हो 2022 हो onwards जितने भी prelims exam आएंगे सबके लिए बहुत important ये series होगा। तो एक एक video बहुत अच्छे से देखिएगा, note कीजिएगा important points, because इससे बेहतर this is going to be the best one in whole of the country। इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं अवेलेबल होगा। बट बिफोर प्रोसीडिंग एंड लेट मी टेल यू, आई एम ऑल्सो अन अकेडमी एजुकेटर टेकिंग अप क्लासेस अपॉन द अन अकेडमी एजुकेटर ऐप, द स्पेशल क्लासेस, द प्लस कोर्सेज। ऑल्सो मैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अन अकेडमी का चैनल है, उस पर मैं डेली करंट अफेयर सेशन ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन, देखते हैं आज बायोस्फीयर रिजर्व में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हम देखने वाले हैं, डिटेल फ्लोरा डिटेल फौना। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब ऑन अवर यूट्यूब चैनल इफ यू वांट द लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि एवरी डे एक से दो वीडियोस आएंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट ऑफ द सेशन, जस्ट अ मिनट। यस, चलिए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में बताया था। द बायोस्फीयर रिजर्व इज अ ज्योग्राफिकल रीजन फोकसिंग अपॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए यही डेफिनेशन लिखा हुआ है यूनेस्को की तरफ से, ये देखिए, इट्स अ लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे एनवायरमेंट कंजर्वेशन इज बैलेंस्ड विद वेलफेयर ऑफ द लोकल्स, दैट्स इट। तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन भी हो रहा है, इकोसिस्टम कंजर्वेशन भी हो रहा है, पूरा फूड चेन फूड वेब कंजर्वेशन भी हो रहा है, साथ में लोकल्स का वेलफेयर भी चल रहा है। इनफैक्ट लोकल्स के हेल्प से ऐसा किया जा रहा है, लोकल्स के हेल्प से एनवायरमेंट और इकोसिस्टम कंजर्वेशन हो रहा है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव प्रोटेक्टेड एरियाज, बिग प्रोटेक्टेड एरियाज, लेट मी टेल यू। इसके अंदर छोटे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब के सब इसके अंदर क्या कहते हैं इंक्लूडेड रहते हैं। सो दीज आर द बिगेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और Every country has these biosphere reserves. और इंडिया ने 18 biosphere reserves declare किए हैं till date. All this we saw in the last video. उसमें से UNESCO ने अपने Man and Biosphere program में कुछ biosphere reserves को international recognition और funding दिया है. So there's a strict criteria. Whenever the government of India declares a biosphere reserve, UNESCO भी देखता है that क्या वो बायोस्फीयर रिजर्व्स उसके क्राइटेरिया पे, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से आर दे एप्रोप्रिएट, एंड देन इट इनिशिएट्स द फंडिंग, इट इनिशिएट्स दैट वो बायोस्फीयर रिजर्व उसके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के लिस्ट में आ जाए, MAB प्रोग्राम। यू कैन सी इट हियर, वी सॉ, ये देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का जोनेशन है, वी सॉ इट इन द लास्ट सेशन ऑल्सो, दिस इज द कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशनल एरिया, सारे बायोस्फीयर रिजर्व में ये डिमार्केशन रहता है। एंड देखा जाता है कि कहां पे कौन से एक्टिविटीज अलाउड है, फोर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। इसमें कोर एरिया ना सेंट्रल एरिया ओनली रिसर्च इज अलाउड, एंड रिमेनिंग बफर एंड ट्रांजिशनल जोन्स। ये देखिए बफर जोन डार्क ब्लू, ये लाइट ब्लू, ट्रांजिशनल जोन, इन दोनों में सारे एक्टिविटीज अलाउड है, इंक्लूडिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स। यू कैन सी इट हियर, ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का डायग्राम हो गया। ये देखिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यस, 1971 में इसने दिस इंस्टीट्यूशन लॉन्च दिस प्रोग्राम जस्ट टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ लोकल सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स। लोकल सॉल्यूशन, ट्रेडिशनल सॉल्यूशन, ट्राइबल्स कैसे कंजर्व करते हैं, उनका इस्तेमाल एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। और ये देखिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स, वी सॉ इट इन डिटेल इन द लास्ट सेशन, हम बस आज आगे बढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू सी इंडियाज
इंडिया के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमें वो देखना है, फोकस करना है, ये देखिए. आई ऑल्सो शोड यू द होल लिस्ट इन द प्रीवियस सेशन. हमारा ये सेशन फोकस करेगा, दिस सेशन इज गोइंग टू फोकस अपॉन, यहाँ पे दिस बेल्ट हैज वन बायोस्फीयर रिजर्व. 2009 में डिक्लेयर किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, ठीक है, और इसे यूनेस्को के लिए भेजा गया है रिकॉग्निशन के लिए. स्टिल द रिकॉग्निशन इज अवेटेड, स्टिल द रिकॉग्निशन इज अवेटेड. एंड ये देखिए 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इट. और जैसे ही भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स एनी रीजन एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, इट इनिशिएट्स फंडिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. यस, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए स्टेट्स में, इट्स लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एज वेल एज लद्दाख यूनियन टेरेटरी. लद्दाख यूनियन टेरेटरी एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट. लद्दाख में इट इज इट कवर्स द ले एंड कारगिल डिविजन, वही पूरा बेल्ट लद्दाख का, ठीक है, ये पूरा बेल्ट, दिस होल बेल्ट. एंड हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड पीति वैलीज एंड ऑल्सो सम डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे इसको. तो हमारा पूरा फोकस आज का इस सेशन का स्टूडेंट्स इसी के ऊपर है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. लेट्स सी. सो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बिग एरिया. कोल्ड डेजर्ट नाम ही इसे कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम है. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. सो डेजर्ट का मतलब क्या होता है, जहां प्रेसिपिटेशन बारिश रेन्स आर लेस देन एवापोरेशन. तो यहां बहुत कम बारिश है, इनफैक्ट कुछ बेल्ट्स में बारिश इतनी कम है दैट उस जगह पे स्नोफॉल के रूप में थोड़ी सी बारिश होती है, अदरवाइज द होल रीजन इज ड्राई एंड इट्स वेरी कोल्ड दिस बेल्ट. तो आप समझ सकते हैं ड्राई एंड कोल्ड, बहुत लोअर टेम्परेचर्स एंड ड्राई, मॉइस्चर नहीं है यहां पे. और स्टूडेंट्स अगर देखें तो समर टेम्परेचर्स बहुत हाई रीच करते हैं, विंटर में वेरी लो टेम्परेचर्स. तो देखा जाए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से सब डिविजन है. सबसे पहला सब डिविजन है पिन वैली नेशनल पार्क. पिन वैली नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट सब डिविजन ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. ऑल्सो चंद्रताल, दिस इज अ लेक, और ये चिनाब नदी के ओरिजिन, चिनाब नदी खुद ही निकलती है टू हेड ट्रिब्यूटरीज से, चंद्र एंड भगा. तो चंद्र भगा नदी जब कंबाइन करती हैं तो चिनाब कहा जाता है. तो उसमें उसी के ओरिजिन से, चंद्र नदी के ओरिजिन से ही, उसी के बगल में, जस्ट लोकेटेड नियर द ओरिजिन ऑफ चंद्रा रिवर इज चंद्रताल. थर्ड सरचू. सरचू इज ए इंपॉर्टेंट पोस्ट लोकेशन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टूवर्ड्स लद्दाख. एंड फोर्थ किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये चार सब डिविजन स्टूडेंट्स कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये चार सब डिविजन भी हमें देखने. एंड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व अगर देखा जाए तो फ्लैगशिप एनिमल स्पीसीज स्नो लेपर्ड है यहाँ का. फ्लैगशिप का मतलब क्या है, व्हाई इज दिस बायोस्फीयर रिजर्व फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड. यस, तो लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ दिस. कुछ फीचर्स देख लिए जाए. द कोल्ड डेजर्ट कल्चरल लैंडस्केप. यस, बायोस्फीयर रिजर्व में लोकल्स रहेंगे तो कल्चर होगा वहां पे. कल्चरल लैंडस्केप इन इंडिया इज सिचुएटेड इन द हिमालय एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो बन गया है एंड टू किन्नौर इन हिमाचल प्रदेश. ओके, लद्दाख इन नॉर्थ टू किन्नौर इन हिमाचल प्रदेश. तो हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे. और देखिए यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिवली इट कैन बी सेट टू कंप्राइज ऑफ लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स. यस, ये देखिए ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड पीति रीजन ऑफ द लाहौल एंड पीति डिस्ट्रिक्ट एंड अ पार्ट ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो दोनों एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, एक संघ शासित प्रदेश और एक राज्य में लोकेटेड ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. तो आइए पहले मैप देख ही लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है, ज्यादा अच्छा रहेगा. यू कैन सी इट हियर, दिस इज द लाहौल एंड पीति डिस्ट्रिक्ट. यू कैन सी इट हियर हिमाचल प्रदेश का मैप. ऐसे पूरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी, पूरे लद्दाख में वो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज देयर इन लद्दाख. और हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड पीति एंड ये देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये दो डिस्ट्रिक्ट.
और ये देखिए पूरा हिमालय बेल्ट है यहाँ से, ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द होल हिमालय बेल्ट। और हिमालय बेल्ट कैसा है, हिमालय आर फोल्ड माउंटेन्स, आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट द फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब होता है पैरेलल रेंजेस हैं, पैरेलल रेंजेस, बहुत सारे पैरेलल रेंजेस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स पैरेलल रेंजेस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शिवालिक रेंजेस, सबसे सबसे हाइट में छोटे, उसके बाद मिडिल हिमालय, उससे बड़े उसके बाद हिमाद्री द ग्रेटर हिमाद्री, ठीक है, उसके नीचे हिमाचल और उसके नीचे शिवालिक। से देखिए इनफैक्ट कोल्ड डेजर्ट, ये शिवालिक हिमाचल हिमाद्री किधर से लोकेशन है, ये देखिए दिस इज द शिवालिक माउंटेन्स सदर्न मोस्ट, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद हिमाद्री। आप देखिए इन शॉर्ट हिमाचल और हिमाद्री के बीच में है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इवन द होल हिमाद्री माउंटेन ऑल्सो, हिमाद्री ग्रेटर हिमालय, यस, पूरा बेल्ट स्नो कवर्ड। तो इस जगह पे लोकेशन आप खुद देख रहे हैं यहां पे। सो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बायोस्फीयर रिजर्व फाउंड इन बिटवीन हिमाचल एंड हिमाद्री माउंटेन्स। तो कुछ ऐसा रहेगा, अगर अगर हम दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ अगर हम पैरेलल रेंजेस बनाएंगे, तो ये देखिए शिवालिक्स, ये देखिए हिमाचल, ये देखिए हिमालय, ठीक है, और ये देखिए इधर पंजाब का बेल्ट है और ये हिमाचल प्रदेश है। सो यू कैन सी इट, इस बेल्ट में लोकेशन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसका साफ साफ मतलब है। और देखिए विंड्स इधर से आती है स्टूडेंट्स, विंड्स, इसका साफ साफ मतलब है ये दोनों पहाड़ियों के बीच में वैली में लोकेटेड, पीति वैली यहीं पे है, यस, ये देखिए। और अगर वैली में है, घाटी में, इट इज लोकेटेड इन द वैली एंड ऑल्सो द लीवर्ड साइड ऑफ हिमाचल, ये देखिए लीवर्ड साइड का मतलब क्या होता है, एक विंडवर्ड साइड होता है जो विंड की तरफ फेस करता है, एक लीवर्ड साइड, ये देखिए इधर से विंड्स आते हैं, यस। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स लीवर्ड साइड का मतलब वहां पे बारिश कम होगी, इसीलिए रेन्स आर वेरी लेस इन दिस बेल्ट एंड दिस इज व्हाई इट्स अ डेजर्ट लैंडस्केप। ये सेम जो आप शिवालिक्स हिमाचल हिमाद्री जो आप सोच रहे हैं, आप सेम को यहां पे इमेज में, ये देखिए शिवालिक हिमाचल एंड हिमाद्री, ये पूरा डेजर्ट लैंडस्केप है द होल बेल्ट। और पीति वैली स्पेसिफिकली डेजर्ट लैंडस्केप को ही डिनोट करता है। द सेम थिंग इज इन लद्दाख प्लेटो ऑल्सो, लद्दाख प्लेटो, यस, वहां भी सेम कंडीशन। तो इसीलिए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व नाम पड़ा है, बहुत लो टेम्परेचर्स, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर्स विंटर में स्पेसिफिकली, लेकिन समर में थोड़े हाई टेम्परेचर्स और बारिश की बहुत कमी, सख्त कमी, रेन्स आर वेरी लेस स्टूडेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे, लेट्स कम बैक टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। तो ये देखिए यहीं पे हम लोग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ का पॉपुलेशन इंडो मंगोलॉयड तिब्बतन रेस का है, बेसिकली ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए वेस्टर्न लद्दाख, ठीक है, में दर्द भी हैं, दर्द आर्यंस करके ट्राइब्स हैं वहाँ पे, ये न्यूज में रहते हैं, न्यूज में जस्ट 2 ईयर्स बैक, ठीक है, कोई फेस्टिवल के लिए आए थे न्यूज में, ठीक है। तो यहाँ के ट्राइबल्स का भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये देखिए लद्दाखीज, बाल्टीज आर फ्रॉम बल्टिस्तान जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है, लद्दाखीज फ्रॉम लद्दाख, दर्द आर्यंस ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। और यहाँ पूरा का पूरा बेल्ट बुद्धिस्ट कल्चर फॉलो करता है, बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा यहाँ प्रेवलेंट है, यस, बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज भी है, ठीक है, उनको गोनपा कहा जाता है, लेट्स सी। तो ये देखिए, और यहां पे ध्यान दीजिए बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म बुद्धिस्ट चैंटिंग यानी कि जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, बुद्धिज्म के टेक्स्ट में, किताबों में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, उनकी चैंटिंग, वो जो क्या कहते हैं मंत्र उच्चारण करते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, देयर स्प्रेडिंग द क्या कहते हैं व्हाटएवर इज रिटन इन द बुक्स, दैट बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख इट्स अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द कल्चर आउट देयर, कल्चर का बहुत ही इंटीग्रल एलिमेंट है ये बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। और इसे
यूनेस्को ने एक और लिस्ट में रखा है, एक और लिस्ट है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज का इनटैंजिबल हेरिटेज, इनटैंजिबल हेरिटेज। इनटैंजिबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो विजिबल नहीं है, कल्चर का पार्ट है इनटैंजिबल हेरिटेज, तो ये भी एक कल्चर का पार्ट है, ठीक है। रेसाइटेशन, बोलना, जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो एक कल्चर है, वहां पे चला आ रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो दिस क्वेश्चन कैन कम इन यूपीएससी, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, इज इट इंटेंजिबल हेरिटेज एज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को? यस, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड इट इंटेंजिबल हेरिटेज। ये यहां से इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा पॉइंट। और ये देखिए फिर अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी इट हियर, लिखा हुआ डिटेल में, द रीजन कंस्टिट्यूट्स अ कोल्ड डेजर्ट बायोम। देखिए नेचुरल फीचर्स, अब कल्चरल फीचर्स हो गए, अब नेचुरल फीचर्स की बात हो रही है। विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत हार्श कंडीशंस है स्टूडेंट्स, हार्श का मतलब होता है रहने योग्य नहीं है, ठीक है। और ये टू फैक्टर्स के कारण है, टू फैक्टर्स है यहाँ पे, ये देखिए। फर्स्ट इज लीवर्ड साइड ऑफ द हिमालय, मैंने कहा ना हिमांचल, हिमांचल माउंटेन्स के लीवर्ड साइड में, ठीक है, लीवर्ड साइड जो विंड को फेस नहीं करता, और यही वजह है वहां पे डेजर्ट लैंडस्केप, ठीक है। विच इज अ रेन शेडो जोन, इनएक्सेसिबल टू एनुअल साउथ ईस्टर्न मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून होगा यहाँ पे, ठीक है, साउथ वेस्टर्न मानसून, दैट्स इट, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे नहीं नहीं आ सकता, रेन्स नहीं हो सकते, साउथ वेस्ट मानसून आपने सुना होगा, दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द रेनफॉल अकरिंग इन इंडिया, द मानसूनल रेनफॉल, दैट्स इट, राइट फ्रॉम जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर मंथ, ठीक है। और ये देखिए, दस क्रिएटिंग डेजर्ट कंडीशंस विद लो लेवल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश बहुत कम। सेकंड इज द वेरी हाई एलिवेशन, 3000 मीटर से 5000 मीटर अबव सी लेवल, ये देखिए 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक अबव सी लेवल, यानी पूरा माउंटेनियस बेल्ट है, सी लेवल से ऊपर, बहुत ऊपर। और 3500 मीटर, 3500 मीटर के ऊपर तो स्नो लाइन भी आ जाता है, यस। इसका मतलब स्टूडेंट्स दैट द होल बेल्ट एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल। और ये देखिए, दैट एड्स टू द कोल्डनेस इन द एनवायरनमेंट, अ ह्यूज सीजनल वेरिएशन इज सीन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, वेरिएशन, समर्स आर ड्राई एंड शॉर्ट विद हार्श सनलाइट, टेम्परेचर रीचिंग अप टू 36 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल विंटर्स आर फ्रीजिंग, टेम्परेचर रीचिंग टू -32 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, समर में डे टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, विंटर में नाइट टेम्परेचर -32 डिग्री, बहुत एक्सट्रीम, बहुत वेरिएशन, बहुत बड़ा रेंज तापमान में। ब्लिजर्ड्स, स्नो स्टॉर्म्स एंड एवलांचेस आर कॉमन इन दिस बेल्ट, द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस अलाउ वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, मेकिंग इट अ वेरी वेरी लैक ऑफ वेजिटेशन लैंडस्केप, वेजिटेशन यहां लैकिंग होता है, बहुत कम वेजिटेशन। Let's see vegetation. In short, दो reasons, height और leeward side. यही दो reason से यहाँ का एक distinct landscape develop कर गया है. Distinct means different, अलग तरीके का, अलग तरीके का ecosystem. आइए देखते हैं. और देखिए इस पूरे belt में Buddhist monasteries known as Gonpa. ये देखिए, spelling देखिए, Gompas, but Gonpa कहा जाता है, ठीक है. Monasteries हैं, ठीक है, जहाँ पे learning centers हैं. हर जगह दिख जाएंगे, इसमें से कुछ हेमिस मोनेस्ट्री बहुत फेमस है, यू माइट हैव हर्ड हेमिस मोनेस्ट्री, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमिस मोनेस्ट्री, यस। और इतना ही स्टूडेंट्स, यू कैन सी, ये तो मैंने मैप दिखाया ही आप लोगों को, दिस होल मैप हिमाचल प्रदेश में कितने किस बेल्ट में पाया जाता है, ये लाहौल स्पीति वैली इज द बेल्ट ऑफ द इज द कोर ऑफ दिस कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। लेट्स सी, ये देखिए चंद्रताल, मैंने कहा ना द लेक, द वेरी ब्यूटीफुल लेक इन दिस बेल्ट, चंद्रताल, यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल लेक, इट्स अ पार्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। यूपीएससी के लास्ट चंद्रताल कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट। नेक्स्ट ये देखिए, देखते हैं वेजिटेशन हम लोग, ये देखिए, तो वेजिटेशन देखिए, प्रेसिपिटेशन मैंने कहा ना बहुत लो है, बिलो 100 सेंटीमीटर, mostly in the form of snow, और यही वजह है यहाँ का vegetation थोड़ा सा dry temperate forest का vegetation। ये देखिए, temperate means cold, dry means बारिश नहीं हो रही है, 100 centimeter annual
100 सेंटीमीटर से कम की बारिश, एंड ये पूरा देखिए बेल्ट लद्दाख लाहौल, ठीक है, तो यही ड्राई टेम्परेट यहाँ भी पाया जाता है। इसके अलावा देखिए किन्नौर यहाँ पे, ये देखिए, इसके अलावा उत्तराखंड और सिक्किम में भी ऐसा ही वेजिटेशन, सेम वेजिटेशन, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की तरह का ही वेजिटेशन और कहाँ पे, सिक्किम एंड उत्तराखंड, ठीक है। हम देखेंगे वहां भी कुछ फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स है, कंचनजंगा इन सिक्किम एंड दिस अपार्ट फ्रॉम दिस दिस उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये देखिए ज़ेरोफाइटिक श्रब्स जो पानी सेव करते हैं, देख रहे हैं वेजिटेशन यहाँ पे, ये क्लासिकल एग्जाम्पल। देखिए कुछ मेन ट्रीज हैं यहाँ पे, देवदार, ओक, ऐश, ऑलिव, कुछ पेड़ है, लेकिन अदरवाइज स्टंटेड वेजिटेशन है और बिकॉज ऑफ ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट कंडीशंस अच्छी नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। एक और प्रकार का वेजिटेशन यहाँ पाया जाता है, यू कैन सी इट, अल्पाइन फॉरेस्ट। ये देखिए स्टूडेंट्स, अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट का मतलब ये होता है जस्ट स्नो लाइन के नीचे, ठीक है। अल्टीट्यूड कितना, 2900 मीटर, ये देखिए 2900 मीटर से 3500 मीटर अबव सी लेवल, अल्पाइन वेजिटेशन यही पाया जाता है और बाय डिफॉल्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में इट विल बी फाउंड। इट्स अप टू थ्री टाइप्स, सब अल्पाइन, मॉइस्ट अल्पाइन, ड्राई अल्पाइन, ठीक है। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं, देखिए मॉइस्ट अल्पाइन, ड्राई अल्पाइन, यू कैन सी इट है सबसे हाईएस्ट, ये देखिए ओवर 3500 मीटर्स अबव सी लेवल ड्राई जोन। और देखिए यहाँ पे जूनिपर एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, अदरवाइज बहुत श्रब टाइप का वेजिटेशन, छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े ट्रीज नहीं, यू कैन सी इट है अल्पाइन। यूपीएससी माई टास्क क्वेश्चन, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में कैसा वेजिटेशन, इट्स टू टाइप, द टेम्परेट ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है, द हिमालयन ड्राई टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन, एंड सेकेंड इज अल्पाइन फॉरेस्ट एट द अपर लेवल्स। और ये देखिए अभी करंट अफेयर्स न्यूज की तरफ पढ़ते हैं, अभी एक न्यूज आया था हिमालयन ट्रिलियम करके एक हर्ब है, द हिंदू में फोकस पे ये आया था, और बिकॉज द हिंदू न्यूज पेपर में ये दिसंबर मंथ का न्यूज है, हिमालयन ट्रिलियम, इसको नाग छतरी भी कहते हैं, यू कैन सी इट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब। और ये क्यों आया न्यूज में, और बिकॉज इट वॉज लेबल्ड एज एंडेंजर्ड बाई IUCN, एंड देखिए पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑफ एटलीस्ट 50% बिटवीन 2010 एंड 2079 एक्सपेक्टेड, हिमालयन ट्रिलियम इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स, दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये देखिए इसका अल्टीट्यूड क्या है, 2400 मीटर से 4000 मीटर अबव सी लेवल, यही ये पाया जाता है, अल्पाइन बेल्ट इन शॉर्ट। और ये देखिए इंडिया में केवल चार राज्यों में, ये देखिए कहा जाएगा तीन राज्य, ठीक है, थ्री स्टेट्स, वन इज हिमाचल प्रदेश, वन इज सिक्किम, वन इज उत्तराखंड एंड वन इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी। यस, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सब डिवाइड हो चुका है इंटू जे एंड के यूटी कम स्टेट एंड लद्दाख यूटी संघ शासित प्रदेश लद्दाख का। तो यहां देखिए हिमाचल प्रदेश बाय डिफॉल्ट इट्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। हिमालयन ट्रिलियम पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की, इसका इस्तेमाल कैसे क्यों किया जाता है, ये कंसीट है हिमालयन ट्रिलियम, ये साइंटिफिक नेम, कॉमन हर्ब, IUCN ने एंडेंजर घोषित किया इसे, हाई मेडिसिनल क्वालिटी, यू कैन सी इट है, इससे डिसेंट्री पेट की बीमारी, वुंड्स और स्किन बॉयल्स चमड़े की बीमारी, इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस, पॉइजनिंग, मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आल्सो आर ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ हिमालयन ट्रिलियम, एंड दिस इज व्हाई इट इज इन इट इज मच इन डिमांड। और इसको नाग छतरी भी कहते हैं, ये देखिए हिमाचल प्रदेश, लद्दाख पार्ट ऑफ जे एंड लद्दाख बेल्ट, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, सिक्किम एंड उत्तराखंड में ये पाया जाता है, चार राज्यों में, मींस फोर थ्री स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिटरी। ये देखिए सब अल्पाइन जोन में पाया जाता है, सब अल्पाइन एंड टेम्परेट जोन, उन्होंने भी देखा। हाइट क्या है, 2400 मीटर से 4000 मीटर अबव सी लेवल पे ये पाया जाता है। और इंडिया के अलावा भूटान, यू कैन सी इट, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जहां जहां हिमालय पाया जाएगा
नेपाल भूटान तो हिमालय के बीच में ही लोकेटेड, एंड चाइना में भी हिमालय का पोर्शन, ट्रांस हिमालय का भी और हिमालय का भी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, द होल ऑफ साउथ एशिया माउंटेनियस स्टेट्स अलॉन्ग विद दैट चाइना आल्सो। तो हिमालयन रीजन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसका क्यों, ये क्यों इसकी संख्या कम हो रही है, व्हाई आर द नंबर्स गोइंग डाउन ऑफ हिमालयन रीजन, लॉन्ग लाइफ साइकिल, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रॉब्लम इन सीड डिस्पर्सल, तीन रीजंस हैं, सीड डिस्पर्सल नहीं होता है, ठीक है, जल्दी। सेकंड पॉइंट, स्लो टू रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, दैट इज लॉन्ग लाइफ साइकिल, एंड थर्ड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत कॉमन है हिमालयन ट्रिलियम का, ये देखिए। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, हिमालयन ट्रिलियम इंपॉर्टेंट। और यहाँ देखिए फौना में, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये देखिए हिमालयन ब्लैक बेयर, स्नो लेपर्ड, तिब्बतन गैजल, हिमालयन ब्राउन बेयर, ठीक है, बहुत सारे फौना हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्नो लेपर्ड। एंड स्नो लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड हंटिंग करता है एक हिमालयन ब्लू शीप का, भरल शीप कहते हैं इसे, और इसीलिए जो भी स्नो लेपर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ये फूड, द हिमालयन ब्लू शीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके डोमेस्टिकेशन भी होती है वहां पे, और स्नो लेपर्ड इसी पे प्रे करता है। सो दीज टू आपको याद रखना है, स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन ब्लू शीप, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो हिमालयन ब्लैक बेयर एंड हिमालयन ब्राउन बेयर आपको देखना है, एंड तिब्बतन गैजल इज फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और जब स्नो लेपर्ड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो स्नो लेपर्ड कहां पाया जा रहा है, लेट्स सी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से निकाला गया इंफॉर्मेशन है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, एज ऑल ऑफ यू नो, वल्नरेबल स्टेटस एज पर IUCN, ठीक है, IUCN के हिसाब से। और इंडिया में देखिए यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, यही मैप यहाँ पे, डिटेल मैप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, यू कैन सी इट हियर, आई रिपीट, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, जहां तक अल्पाइन रीजन है, यस, अल्पाइन बेल्ट, हिमाचल और हिमाद्री के माउंटेन्स, वहां पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। वल्नरेबल स्टेटस IUCN, बहुत प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए इसके लिए, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एंड यू कैन सी इट हियर, वन ऑफ द लार्ज कैट्स, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 400 to 700 इन 5 हिमालयन स्टेट्स इन इंडिया। अब ये 4 स्टेट्स हो गए और एक यूपी हो गया, दैट्स इट। और इसका पोचिंग भी किया, इसको किल भी किया जाता है बिकॉज ऑफ स्मगलिंग आउट इट्स बोन्स एंड फर, जिसको चाइनीज मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। चाइनीज मेडिसिन में ऑलमोस्ट जितने एनिमल्स आज एंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल हैं, चाइनीज मेडिसिन में उन सभी का फर या बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, जो आज का डिस्कशन था पूरा, ठीक है, आई सपोज यू एंजॉयड द सेशन ओवर दिस कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। हम लोगों ने फौना देखा, हम लोगों ने हिमालयन ट्रिलियम का न्यूज देखा, यस, एंड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में एक और न्यूज है, हींग का कल्टीवेशन शुरू किया जा रहा है, रिसेंटली यही न्यूज आया, हींग का कल्टीवेशन लद्दाख बेल्ट में, ठीक है, ऑल बिकॉज हींग आज इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम उज़्बेकिस्तान एंड फ्रॉम ईरान, तो हींग इसी रीजन में हो सकता है, एंड इट कैन बी अ क्लासिकल, मींस इट कैन हेल्प इंडिया टाइड ओवर द इंपोर्ट्स, खुद से ग्रो करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ हींग कल्टीवेशन, दैट्स इट। ये देखिए हिमालयन ट्रिलियम, we also saw the vegetation, alpine vegetation, ये देखिए, और इसके अलावा हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ये देखिए ड्राई टेम्परेट, we saw in detail, जो यहाँ पाया जाता vegetation, ये NCERT में दिया हुआ vegetation, ठीक है, ये देखिए चंद्रताल, ये देखिए हिमाचल प्रदेश में लोकेशन इस पूरे बेल्ट का, और लीवर्ड साइड का मतलब क्या है, फोल्ड डेजर्ट, फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ कल्चर, एंड यस,
नेचुरल लैंडस्केप. सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द सेशन. अगले सेशन में हम देखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और उसके अगले सेशन में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व. बोथ रिजेंबल द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन वेजिटेशन. दोनों एग्जैक्टली वेजिटेशन एंड फौना में रिजेंबल करते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. इनफैक्ट तीन बायोस्फीयर रिजर्व्स कॉमन है वेजिटेशन एंड फौना में, फ्लोरा एंड फौना में, कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी एंड कंचनजंगा. तो स्टूडेंट्स इतना भी टफ नहीं है याद करना. एक बायोस्फीयर रिजर्व याद कीजिएगा, उसके बेसिस पर रिमेनिंग टू याद हो जाएगा फीचर्स में. सो दैट्स इट. आई विल एंड द सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल सी नंदा देवी एंड कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व. तो स्टूडेंट्स लाइक करना ना भूलें वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया हो, और जरूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को. एंड यस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. Thanks a lot. Take care. Bye-bye.